लेकिन ऑनलाइन जब डालते हैं तो लोग देखें उसको। मैं देखा हूँ, नहीं मिल रहा है। जवाब दे दे तो अच्छा रहेगा सर, माननीय मंत्री जी। ठीक है, ऑनलाइन कम से कम 24 घंटा पहले डलवावे और सभी लोग देख लें। डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार पूछता हूँ मंत्री पथ निर्माण, आप पूरक पूछिए, ऑनलाइन उत्तर मिला है, पूरक पूछिए। नहीं मिला है, मुझे नहीं आया है। जवाब दे दे तो अच्छा रहेगा सर, माननीय मंत्री जी। ठीक है, दे दीजिए जवाब, लेकिन ऑनलाइन जब डालते हैं तो लोग देखें उसको। मैं देखा हूँ, नहीं मिल रहा है, नहीं दिखता है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं हर दिन माननीय मंत्री जी, आप तो ऑनलाइन डाले हैं, हम लोग के पास तो आया है। एक चीज माननीय मंत्री जी, सरकार के सभी माननीय मंत्री सुन लें कि ऑनलाइन कम से कम 24 घंटा पहले डलवावे और सभी लोग देख लें। चलिए पूछिए। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि अगवानी सुल्तानगंज निर्माणाधीन पुल का निर्माण कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है, जिसे दिसंबर 2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। गोगरी प्रखंड के रामपुर पंचायत से कटघरा आश्रम से भुड़िया दियारा तक जाने वाली सड़क पथ प्रमंडल खगड़िया के क्षेत्राधीन है। उक्त पथ के चैनेज 3300 एवं चैनेज 12200 में अवस्थित पुल क्षतिग्रस्त होने पर अस्थायी पुनर्स्थापन कार्य कराकर यातायात चालू किया है। उक्त पथ में क्षतिग्रस्त पुलों के स्थान पर नए HL ब्रिज का निर्माण हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा समर्पित DPR के प्रशासकीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। पूरक है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री से कि ये पुल अगवानी सुल्तानगंज पुल माननीय मुख्यमंत्री और मेरे आदरणीय पिता श्री आर एन सिंह साहब पूर्व मंत्री द्वारा शिलान्यास इसका किया गया था फरवरी 2014 में, और अभी से 7 साल हो गया है। उसका 5 साल का था कम्प्लीशन का समय, अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ। आपने समय दिया है दिसंबर तक हो जाएगा, इतना वक्त क्यों लगा और संबंधित पदाधिकारी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? दूसरा प्रश्न जो हमारा है, वो जो पुल उसी के साथ है हमारा, जो रामपुर से लेकर के आश्रम कटघरा जाता है, वो पुल जब बना था उसी साल बाढ़ आया और उसी बाढ़ में वो पुल बह गया, और 5 साल में आपके विभाग का क्या अनुरक्षण हुआ है? कोई मेंटेनेंस नहीं किया गया। नया पुल बनना चाहिए, 5 साल में क्यों नहीं बना? और संवेदक पे क्यों नहीं कार्रवाई की गई और अधिकारियों पे क्यों नहीं कार्रवाई की गई? और कार्रवाई करेंगे तो कब तक? बार इतना पूरक पूछ लीजिए, बोलिए माननीय मंत्री जी। जो लक्ष्य था उसके लक्ष्य के अधीन काम करने का प्रयास किया। शुरू में भू अर्जन की प्रक्रिया में थोड़ा विलंब हुआ था अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसमें भी अभी केवल 11 किलोमीटर पहुंच पथ में ही भूमि का अधिग्रहण प्राप्त होना बचा हुआ है। बाकी सबका काम आ चुका, भूमि अधिग्रहण का कागज आ चुका है। जो उन्होंने कहा कि जो 2 HL ब्रिज की बात की है, उनको हम लोगों ने उसका DPR हम लोग के पास आ चुका है और बहुत जल्द उसको हम लोग निविदा की प्रक्रिया में भेजेंगे DPR आने के बाद। मैं तो ये सुन लिया कि वो बनाएंगे, पहले भी बोले हैं माननीय मंत्री जी। मैं कह रहा हूँ कि 5 साल में उस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? जो संवेदक हैं, जो मेंटेनेंस नहीं किए, जो पुल बनते के साथ बह गया, माननीय मंत्री जी कार्रवाई करने की? इन्होंने कहा कि भू अर्जन के कारण नहीं, वो दूसरी बात है माननीय, वो गंगा पुल के बारे में बताए हैं और मैं ये पुल जो बह गया है मैं उसकी बात कह रहा हूँ, जो लोगों को तकलीफ हो रही है 5 साल उसकी जिम्मेदारी पे ना संवेदक पे कार्रवाई की गई ना अधिकारियों। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, जिस चीज की सूचना माननीय सदस्य दे रहे हैं आप उसको जांचवा कर करके, अगर जब भी ऐसा कोई विषय आए और माननीय सदस्य को अवगत कराइए और कार्रवाई क्यों नहीं हुई इसको संज्ञान में लीजिए।